अभी मैंने किया है जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं, लेकिन मैंने आलू वगैरह को भी वेजिटेबल घर में कुछ था नहीं, तो आलू और टमाटर को मैंने स्मैश करके अब इसमें भूंज रही हूँ। एंड देन देखो मैं क्या करती हूँ, देखते रहो संचिता कैसे खाना बनाती है। सो इसको मैंने अच्छे से भूंज लिया है पूरा, एंड नाउ मैं इसमें डालने वाली हूँ, इसमें मैं डालने वाली हूँ मूंग दाल और ये राइस, ये ना एक मिर्च। अब हम लोग इसे मिलाएंगे। एक्चुअली मैं किसी और से ऐसे अच्छे से शूट करवाती, बट बात ये है ना कि कोई है नहीं और मैं अकेले बना रही हूँ यहाँ पे नीचे में, और सब ऊपर है और अकेले ही शूट कर रही हूँ, तो कुछ किया नहीं जा सकता इसका, मुझे दोनों काम संभालना पड़ेगा। ओके, मैं इसका फ्लेम कर देती हूँ ज़्यादा कि ये जल्दी बने, क्योंकि भूख तो लगा है। होप ये अच्छा बने, जैसा हमने सोचा है वैसा बने। सो हम लोग इसे मिलाएंगे, अच्छे से मिलाएंगे। मेरा तो ये भी डांस कर रहा है यार, एक मिनट अच्छे से रहो मम्मी। ओके, सो इसको ना अच्छे से मिलाने के बाद हम लोग जैसे मिक्स चावल नहीं खिचड़ी बनाना है, सो खिचड़ी के लिए हम लोगों को वाटर ज्यादा ऐड करना है। सो चलो मैं दिखाती हूँ आगे का रेसिपी। सो हमने वाटर जैसे इसमें ऐड कर दिया है, और इसमें अच्छे क्वांटिटी में वाटर पूरा ऐड हुआ है। अब फिर हम लोग इसका फ्लेम कर देंगे हाई फ्लेम को, एंड देन हम लोग अच्छे से इसे भूंजेंगे। सो हम लोग इसे कुछ देर के लिए ढक देंगे। यस, कुछ देर के लिए इसको ढकेंगे। एंड सो हमारा अभी खिचड़ी ऐसा दिख रहा है आफ्टर 20 मिनट्स। सो अब हम लोग इसमें थोड़ा सा चीनी मिलाने वाले हैं। सो चीनी से क्या होगा ना, ये थोड़ा मीठा लगेगा, क्योंकि आपको पता होगा दुर्गा माँ का भोग थोड़ा मीठा लगता है, सो इसलिए। ओके, सो टन टना बन गया मेरा खिचड़ी। सो ऐसे ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। आई लव यू।